अभी खबर है कि लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत के बसंत मनाने का ऐलान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बसंत मनाने का फैसला नहीं हुआ, अभी सिर्फ तजावीज़ के मरहले में हैं वकील पंजाब हुकूमत। अदालत ने फरीकैन के वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब किया है। उमर शाकिर से अपडेट्स लेंगे। उमर शाकिर, इस केस के हवाले से बताएं। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत में जवाब दाखिल करवाया है कि बसंत मनाने का फैसला अभी नहीं हुआ, बसंत मनाना अभी सिर्फ तजावीज के मरहले में है। अदालत ने फरीकैन के वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब किया है, जबकि अदालत ने बसंत की इजाजत देने पर सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान, चीफ सेक्रेटरी आई जी पंजाब और दिगर के खिलाफ सुन्नी अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए हैं। ये दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौका भी अख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने बसंत बनाने का ऐलान किया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आई जी पंजाब ने पतंगबाजी रोकने के लिए इकदाम नहीं किए, जो कि तुहीन अदालत के मुतरातिब हैं। इस दरख्वास्त में अदालत से सजा की गई थी कि अदालत उज़्मा के अहकाम की रूगर्दानी करना तोहीन अदालत के मुतरादिफ हैं, ताहम अदालत फयाजुल हसन चौहान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आई जी पंजाब के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए, जिस पर अदालत ने आज नोटिस जारी किए हैं और इनसे तहरीरी जवाब तलब किया है। जी, अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। शुक्रिया उमर शाकिर।